हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर। तो आज फिर लेके आ चुकी हूँ मैं आपके लिए बिग बॉस सीजन 3 OTT 3 के कुछ अनकही बातें और कुछ झगड़े और कुछ प्यार भरी बातें। तो यहाँ आज बिग बॉस में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। तो फिलहाल अभी हो रहा है सुबह का टाइम, यहाँ सब लोग झूमते झामते सो के उठ चुके हैं। तो यहाँ शिवानी कुमारी है, सना मुकबूल है, और यहाँ पे आज तो सना मुकबूल और विकास पांडे का सुबह सुबह का जो डांस था, सॉन्ग चल रहा था सुबह सुबह, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। तो एक सॉन्ग पे इन दोनों ने बहुत लाजवाब डांस किया था, मैचिंग मैचिंग। उसके बाद मॉर्निंग के बाद यहाँ सबकी बातचीत स्टार्ट हो चुकी थी, सब ने बहुत सारा डांस किया। यहाँ रणवीर जी ने अपनी एक्सरसाइज की, सना मुकबूल, सना सुल्तान, शिवानी कुमारी, कृतिका मलिक और अरमान मलिक भी साथ साथ दिखे, डांस करते झूमते झामते सुबह सुबह। लेकिन आज सुबह सुबह तो माहौल बहुत अच्छा रहा, ठंडा ठंडा माहौल रहा उनके यहाँ पे बिग बॉस OTT सीजन 3 में घर के अंदर। और उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलता गया, जो दिन का जो भी माहौल था वो बिगड़ता गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ता गया। तो ना आज जो था, आज था हेड ऑफ द डे, तो आज हेड ऑफ द डे बनना था, तो इसलिए। तो यहाँ सुबह सुबह रणवीर जी उठ चुके हैं और यहाँ अपनी चाय वगैरह लेके आ चुके हैं गार्डन एरिया में। यहाँ विशाल के साथ उनकी कुछ गॉसिप हो रही है, विशाल से कुछ बातें कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे साई केतन आमलेट बना रहे थे, तो यहाँ लेजी पूछते हैं कितनी आमलेट बना रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं 2-3 अंडे की आमलेट बना रहा हूँ। तो यहाँ लेजी बोलते हैं एक अंडे की मेरे लिए भी बना देना। उसके बाद यहाँ विशाल पांडे और आहान जो न्यू वाइल्डकार्ड एंट्री मेंबर हैं बिग बॉस हाउस के, वो यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो यहाँ आज सब लोगों की प्लानिंग हो रही है कौन बाहर वाला है और आज कौन हेड ऑफ द डे बनने वाला है, कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन किसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ विशाल और आहान की यही बात चल रही है। उसके बाद यहाँ शिवानी कुमारी और लव कटारिया बैठ के, दोनों भाई बहन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, लव कटारिया और शिवानी कुमारी की भाई बहन की जोड़ी, साथ में विशाल पांडे शिवानी कुमारी भाई बहन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे लेजी सुबह सुबह उठ के यहाँ पे विशाल पांडे के साथ और आहान के साथ खूब सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे शिवानी कुमारी और लव कटारिया बैठे बैठे दोनों किसी न किसी की नकल करके हंसमुख रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यहाँ लव कटारिया और शिवानी का टाइम बहुत अच्छा बीतता है, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं कि तो मानते हैं एक दूसरे को और साथ में बहुत अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बना के रखते हैं अपनी। फिर आता है दोपहर का टाइम, तो यहाँ नहा धो के सब मेंबर हो जाते हैं बिल्कुल फ्री। तो आज सना सुल्तान सीखने वाली हैं खाना बनाना, तो यहाँ अरमान मलिक उनको सिखा रहे हैं कि सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो अरमान मलिक बोलते हैं कि सबसे पहले आप ऑयल डालो यानी तेल डालो, उसमें जीरा डालो, जिस तरह से आपने दुश्मन को चटकाना चाहते हो उस तरीके से उसमें जीरा छोट डाल दो, चटकने दो उसको जब तक वो फड़फड़ाना बंद नहीं कर देता। उसके बाद आपने जो सब्जी डाली है, जो भी आप उसके ऊपर मसाले वगैरह डालना चाहते हैं वो डाल दो। तो अरमान मलिक पॉइंट टू पॉइंट बोलते बोलते उनको खाना बनाना यानी कुकिंग करना सिखाने लगे थे। और यहाँ शिवानी कुमारी लगी थी अपनी ड्यूटी पूरी करने, साथ में सना सुल्तान लगी थी अपनी ड्यूटी करने और अरमान मलिक लगे थे अपनी ड्यूटी करने। तो यहाँ सना मुकबूल वगैरह सब लोग इन बातों को देख देख के बहुत हंस रहे थे। यहाँ दीपक जी भी थे जो वो अरमान मलिक की कुकिंग सिखाने के स्टाइल पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। उसके बाद यहाँ लेजी भाई और विशाल पांडे बैठे हुए हैं और काफ़ी सारी गॉसिप कर रहे हैं। तो यहाँ लेजी भाई अपने अंदाज में एक रैप बनाते हैं जो कि विशाल पांडे के साथ शेयर करते हैं, जो कि काफ़ी सारा, काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर रैप था, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद यहाँ पर लव कटारिया शिवानी कुमार की फिर मस्ती स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ लव कटारिया खुद सॉन्ग गाता है और डांस करता है, यहाँ शिवानी कुमारी तबला बजा के अब उसने भाई का प्रोत्साहन करती है, उनको बढ़ावा देती है, बहुत अच्छा लगता है ये सीन, मुझे बहुत अच्छा लगा आज के बिग बॉस घर के अंदर ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ शिवानी कुमारी बहुत खुश है, तबला बजा रही है, यहाँ लव कटारिया अपनी बहन को खुश करने के लिए डांस करके भंगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ बैठ के बाहर होती है मीटिंग, तो साथ में बैठे हुए हैं लव कटारिया और लेजी भाई, शिवानी कुमारी, सना मुकबूल और आहान और विशाल पांडे।
तो यहाँ शिवानी कुमारी बहुत हंसती है और मजाक करती है। जो न्यू मेंबर आया है घर के वाइल्ड कार्ड एंड्री अरहान, तो उनकी एक पौनी चोटी बनी होती है, उसको देख के शिवानी कुमारी बहुत हंसती है। और शिवानी कुमारी बोलती है कि भैया की मुझे ये चोटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ सना मकबूल और लेज़ी भाई कुछ करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का कुछ समझ में नहीं आया कि किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों बैठ के आराम से बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे। और यह शिवानी की चोटी वाली बात को लेके सब लोग लगे थे बहुत ज़्यादा हंसने के लिए और बहुत ज़्यादा मस्ती करने के लिए। और अहान भी शिवानी को पसंद करने लगी है एज अ भाई, यानी भाई ब्रदर के रूप में। शिवानी भी अहान को भाई बोलती है और अच्छा लगता है इस तरह से मुझे। तो यहाँ फिर बैठ के सबकी गॉसिप फिर से वही प्लानिंग कि आज किसका क्या टारगेट होगा। उसके बाद शिवानी कुमारी विशाल पांडे साथ में बैठते हैं और शिवानी कुमारी बोलती हैं, देखिए आज सना सुल्तान जो है स्कूल की बच्ची लग रही है, स्कूल के कपड़े जैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने, और ये लेज़ी भाई इनके पास जाके बैठ गए हैं, वो लग रहे हैं टीचर कोच जो उनको कोचिंग दे रहे हैं। तो सच में ये फ़नी मोमेंट था, क्योंकि आज सना जो सुल्तान थी उनकी जो ड्रेस थी, मतलब आज घर के अंदर जो ड्रेस पहनी थी वो थोड़ा सा अजीब अटपटी थी, जो कि सही बता रही थी शिवानी। शिवानी का कहना सही था, स्कूल के बच्चे जैसे ड्रेस लग रही थी। और लेज़ी भाई जिस तरीके से उनको समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे, उस तरीके से यही लग रहा था कि लेज़ी भाई उनके कोच हैं, उनको पढ़ाई करवा रहे हैं। तो यहाँ विशाल पांडे और शिवानी कुमारी यहाँ बैठ के देखती हैं और हंसती हैं। उसके बाद आता है बिग बॉस का अलर्टमेंट। तो यहाँ सभी घर वाले, बिग बॉस बोलते हैं कि सभी घर वाले लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाइए। तो यहाँ सभी घर वाले लिविंग एरिया में इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ आप सबकी बातें चल रही है कि किस बेस पे, किस बात पे आज टॉपिक होने वाला है, क्या कोई टारगेट होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब इस चीज़ पे कंफ्यूज थे। आज क्या था, नॉमिनेशन डे है, क्या है, क्या होने वाला है, सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके। तो यहाँ आपस में लगे थे प्लानिंग करने के लिए, अगर कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे नॉमिनेट नहीं करोगे, कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे बचा लोगे। तो इस तरीके सब आपस में लगी हुई थी एक दूसरे को बोलने के लिए कि तुम क्या करोगे। और यहाँ पे रणवीर जी को बोलते हैं कि आप स्टोर रूम से जाके कुछ सामान है वो लेके आ जाइए और यहाँ सबको पढ़ के बता दीजिए। तो यहाँ कुछ सामान था, कुछ बॉटल्स थी, तो वहाँ पढ़ लेके आए रणवीर जी और पढ़ के बताने लगे। आज एक टारगेट था जिसमें काफ़ी सारे बॉटल्स थी, जिसमें सभी घर के कंटेस्टेंट के नाम थे, जिनको एक एक कंटेस्टेंट का नाम दिया गया था, उस कंटेस्टेंट के नाम का धागा दूसरे कंटेस्टेंट को पहनना था। तो किसने किसके नाम का धागा पहना है वो मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ। तो यही रूल था कि घर में एक डायन आई है और डायन प्यासी है, खून की प्यासी है, उसकी प्यास बुझाने के लिए कंटेस्टेंट को अपने गले में से जिसको हटाना है, मतलब आज हेड ऑफ़ द डे का डे था, तो बिग बॉस ने बोला था आप जिसको हेड ऑफ़ द डे बनाना चाहते हो उसको लास्ट तक बचा के रख सकते हो, और जिसको नहीं बनाना चाहते हो तो आप अपने लॉकेट को तोड़ के खून जो था चुड़ैल, खूनी प्यासी जो चुड़ैल थी उसकी उसमें डाल सकते हो। तो बस यही आज का टारगेट था। तो फर्स्ट बटर बच चुका था, तो यह चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आई, तो यहाँ पर सब लोग भागने लगे हैं, कृतिका मलिक, सना मकबूल, सना सुल्तान, शिवानी कुमारी, तो सब भागते हैं। तो यहाँ सबसे पहले डायन को, खून के प्यासी डायन थी, तो उस रूम में सब लोग जाते हैं और सब लोग देख के शौक हुए। सबसे पहले यहाँ अरमान मलिक हैं, तो अरमान मलिक के पास था आहान का बॉटल, तो आहान के नाम की, तो अरमान मलिक उनकी बॉटल फेंक देते हैं, बोलते हैं कि आहान घर का हेड ऑफ द डे बनने के लायक नहीं है। दूसरा आता है लेज़ी भाई का नंबर, तो लेज़ी भाई के पास लॉकेट था शिवानी कुमारी का, तो लेज़ी भाई बोलते हैं कि शिवानी कुमारी हेड ऑफ द डे बनने के लिए बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है, वो इनमेच्योर गर्ल है। तो यहाँ कृतिका मलिक मजाक उड़ाती है सना मकबूल का, कि सना मकबूल बोलती है कृतिका मलिक को कि कृतिका मलिक के पास था सना मकबूल के लॉकेट। तो यहाँ कृतिका मलिक को बोलती है सना मकबूल कि मुझे हेड ऑफ द डे बनना है तो प्लीज़ मेरा लॉकेट मत फेंकना। और लेकिन यहाँ पे कृतिका वो ही करती है जो सना मकबूल नहीं बोलती, उसका उल्टा ही करती, वो तो उस बारे में वो बताती है बाहर अंदर आके कि मुझे ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के बोल रही है सना मकबूल। तो ये बहुत गंदी आदत है कृतिका की, उसके मुंह पे ये चीज़ नहीं बोली और पीठ पीछे जाके सबकी चुगली करती है। विशाल पांडे के पास था
तो विशाल पांडे के पास लॉकेट था साई कीर्तन का, तो उन्होंने बोले साई कीर्तन हायर ऑफ द डे बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ सुना मुकबूल दीपक जी से पूछती हैं कि मेरे पास आपका लॉकेट है, क्या आप हायर ऑफ द डे बनना चाहते हैं, तो मैं आपको लास्ट तक बचा के रखूँगी। तो यहाँ दीपक जी बोलते हैं नहीं, मुझे बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो मेरा लॉकेट डाल देना। तो उसके बाद शिवानी जी का नंबर आता है, शिवानी के पास लॉकेट था, तो शिवानी कुमारी के पास लॉकेट था यहाँ पे सना सुल्तान का। तो शिवानी कुमारी बोलती है कि मुझे सना सुल्तान नहीं लगती है। यहाँ रणवीर जी जो दीपक जी की सहायता करते हैं, तो दीपक जी यहाँ पे लव कटारिया को आउट करते हैं और बोलते हैं कि लव कटारिया भी हेड ऑफ द हाउस बनने के लायक नहीं है। तो यहाँ दीपक जी ने भी अपना फैसला सुना दिया था। तो यहाँ इसी बात पे फिर होने लगी थी मुठभेड़, और सबसे पहली यहाँ पे आज सबसे बड़ी फाइट हुई थी साई कीर्तन और लव कटारिया में। तो सबसे पहले फाइट हुई थी सबसे पहले फाइट हुई थी अरमान मलिक और सना मकबूल के साथ, बहुत बड़ी फाइट हुई थी टास्क को लेके, बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी। और सना मकबूल और रणवीर जी और अरमान मलिक की बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी। तो यहाँ रणवीर जी कुछ ज़्यादा ओवर बोल जाते हैं। उसके बाद लव कटारिया का नंबर आता है, लव कटारिया बोतल फेंक देते हैं रणवीर जी की, वो बोलते हैं कि रणवीर जी मुझे लायक नहीं लगते हेड ऑफ द डे बनने के लिए। तो यहाँ सिर्फ बचते हैं तीन चार लोग और, तो यहाँ सना मकबूल सना सुल्तान और साथ में यहाँ पे रणवीर जी और साई केतन ने अपनी अपनी बॉटल नहीं फेंकी हैं, क्योंकि रणवीर जी के पास है अरमान मलिक का और सना मकबूल सुल्तान के पास है लेजी भाई का और साई के पास है कृतिका जी का। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारा बने। तो यहाँ सब ने अपना अपना जोर लगाया था और यहाँ फिर हो गई बहस स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले हुई थी सना मकबूल और रणवीर जी और अरमान मलिक का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे लेजी भाई भी बीच में आ गए, क्योंकि अरमान मलिक ने सना सुल्तान को गलत तरीके से बात की थी, कि बहुत गंदे तरीके से बोला था, इसलिए लेजी भाई को ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि लेजी भाई को सपोर्ट करने के लिए सना सुल्तान अपना लॉकेट नहीं डाल रही थी, क्योंकि लॉकेट उसके गले में लेजी भाई का था, वो चाहती थी कि हेड ऑफ द डे लेजी भाई बने। तो अरमान मलिक और साई केतन और रणवीर जी और सना सुल्तान पर प्रेशर बना रहे थे। तो यहाँ इस चीज़ में अरमान मलिक बहुत गलत वे में बोल पड़े और यहाँ बहस हो गई, बहुत लंबी बहस हुई थी, बहुत बड़ी बहस हुई थी लेजी भाई में अरमान मलिक में। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आहान और अरमान मलिक में भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो गई, एक दूसरे को गाली दी और मारने के लिए खड़े हो गए दोनों एक दूसरे को, और बाहर की बातें लेके आ गए कि मैंने तुम्हारी बाहर ये वीडियोज़ देखी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इसलिए पिटे थे, तुम इसलिए सुसाइड कर रहे थे। तो ये लोग बाहर की बातें लेके आ गए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ। मतलब आज जो डे था अरमान मलिक का ही था, शायद अरमान मलिक सबसे लड़े थे, सना मकबूल से भी लड़ गए और लेजी भाई से भी लड़े थे। मतलब हेड ऑफ़ द डे बनने के लिए उनमें कितनी ज़्यादा वो है कि मतलब सबसे लड़ गए, सना मकबूल से भी लड़ गए, लेजी से भी लड़ गए, आहान से भी लड़ गए। उसके बाद इन तीनों ने डिसाइड नहीं कर पाया था कि कौन फाइनल फेंकेगा, बटो लास्ट कौन बचेगा। तो बिग बॉस ने इन तीनों को टाइमिंग दी थी कि आप तीनों आपस में डिसाइड कर लो कि कौन क्या किसको बचाना चाहता है। तो यहाँ सना सुल्तान बोलती है मैं अपने फैसले पर अड़िल हूँ, मैं इस लेजी को बचाऊंगी, मैं उसका लॉकेट नहीं डालूंगी। साई भी यही बोलते हैं, यही रणवीर जी बोलते हैं। उसके बाद बिग बॉस का फैसला आता है, बिग बॉस कहते हैं कि अगर आप किसी फैसले पर नहीं पहुँचते हैं तो मेरा फैसला ये है, अगर ये फैसला अगर ये टारगेट रद्द हुआ तो आज इस हफ्ते का राशन नहीं आएगा, क्योंकि आज राशन डे है। तो यहाँ सना सुल्तान डर गई और बोलती हैं ठीक है, अगर राशन की बात है तो मैं तो साई ने और रणवीर जी ने उस पर प्रेशर किया। तो यहाँ सना जो सुल्तान थी वो पलट गई और बोला ठीक है, मैं लेजी को बॉटल डुबा देती हूँ, आप अरमान जी को बना दीजिए। तो बिग बॉस यही बोलते हैं कि तुम किसी के प्रेशर में नहीं अपने उस पर बोलो। तो वो यही बोलती कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे वजह से भूखा मरे, फिर मेरे पे नाम आएगा। तो इसी बात पे काफ़ी सारी बहस भी हुई थी कि तुम क्यों कमज़ोर पड़ गए, रणवीर और साई भी तो पढ़ सकते थे लेकिन तुम बदल गई, तुम अपनी उस बात से पलट गई। उसके बाद साई कीर्तन और लव कटारिया में जो झगड़ा हुआ, माँ बहन की गालियाँ दे दे के बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था लव कटारिया और साई कीर्तन में। और यहाँ साई कीर्तन ने अपना आपा खो दिया था, उन्होंने शर्ट वर्ट उतार के फाड़ फूड़ के फेंक दी थी। यहाँ शिवानी कुमारी, रणवीर सिंह, रणवीर जी, अरमान मलिक, साई कीर्तन
को लगे थे संभालने के लिए। साथ में दीपक जी भी थे, कृतिका मलिक भी थी, शिवानी भी थी। तो यहाँ साईं केतन किसी पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और यहाँ शर्ट फाड़ के उसको मारने के लिए उतर आया था बिल्कुल। तो ये गलत है, घर का रूल तोड़ा है साईं केतन ने भी और लव कटारिया ने। लेकिन सबसे पहले गाली साईं केतन ने दी थी, तो इस घर से मेरे मानना तो ये है कि साईं केतन को आउट कर देना चाहिए, क्योंकि गाली गलौज करना इस घर में अलाउड नहीं है। फाइट करना भी अलाउड नहीं, मतलब मारना भी किसी को अलाउड नहीं है। लेकिन अरमान और साईं केतन ने दोनों ने रूल तोड़े हैं। आगे की वीडियो जानने के लिए आप बने रहिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल न्यू ब्लॉग में, तब तक